नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में अपने गृह नगर जोधपुर के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। उन्होंने जोधपुर की सेहत और शिक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए कई सौगातें प्रदान की है। शिक्षा के क्षेत्र में गहलोत ने जोधपुर में 400 करोड़ की लागत से नई डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की। इसके साथ जोधपुर में रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट और बलकतुल्ला खान स्टेडियम के विकास के लिए 20 करोड़ की घोषणा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में बीकानेर के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। अब तक की घोषणाओं में बीकानेर में आयुर्वेद महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है, जिसमें योग व नेचुरोपैथी का अध्ययन भी होगा। साथ ही बीकानेर में डेयरी महाविद्यालय भी स्थापित होगा। इसके साथ ही बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में एक नया ICU बनाने की घोषणा की गई है। यह ICU 50 बेड का होगा। फिल्म अभिनेता सलमान खान के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले से जुड़ी अपीलों पर बुधवार को 10 मार्च तक सुनवाई टल गई। सलमान के अधिवक्ता हस्तिमल सारस्वत ने बताया कि अब 10 मार्च या इसके बाद मामलों में बहस शुरू हो पाएगी। बीकानेर के मुरलीधर व्यास नगर, बड़ा बाजार और गंगा शहर क्षेत्र में एक बार फिर कोरोना रोगी मिलने शुरू हो गए हैं। मंगलवार देर रात जारी रिपोर्ट में कोरोना के 5 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें एक मुरलीधर व्यास नगर के 60 साल के पुरुष, बड़ा बाजार का 36 साल का पुरुष है। गंगा शहर के 3 केस पॉजिटिव हैं, जिसमें 2 पुरुष 35 व 40 वर्ष के और एक महिला 40 वर्ष की है। 5 में से 4 युवकों को कोरोना ने अपनी जद में ले लिया है। देश की IITs, NITs सहित अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा JEE मेन 2021 के अंतर्गत BE BTech की परीक्षा बुधवार से शुरू हो गई। शहर के 2 परीक्षा केंद्रों पर हो रही यह परीक्षा 3 दिन तक 6 पारियों में चलेगी। दोनों परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को पूरी जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। प्रदेश में शिक्षा की बात करें तो 20,000 स्कूल ऐसे हैं जहां आज भी बिजली नहीं पहुंची है। गांव ढाणी के इन स्कूलों में बच्चों को गर्मी में बिना बिजली के ही पढ़ना पड़ रहा है। उधर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में 750 स्कूल ऐसे हैं जो किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं। सरकार इन स्कूलों को अभी तक खुद का भवन नहीं दे पाई है। हालात ये हैं कि किराए की बिल्डिंग होने के कारण समय पर इनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। जोधपुर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने धर्म भाई पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोप है कि बाद में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर भी दुष्कर्म किया। बदमाशों ने पीड़िता के जरूरी दस्तावेजों को हथियाने के साथ ही खाली चेक भी ले लिए। अब पीड़िता ने पुलिस की शरण ली है। बीकानेर शहर की तरह गांवों में भी लोग अपने घरों में नल से पानी ले सकेंगे। उनसे चार्ज शहर की तुलना में 10% भी नहीं लगेगा। रखरखाव के नाम पर सिर्फ 13 रुपए शुल्क लगेगा। जल जीवन मिशन के तहत जलदाय विभाग 2024 तक जिले के 854 गांवों के 2.5 लाख घरों तक पाइपलाइन बिछाकर पानी पहुंचाएगा। करीब 16 लाख की आबादी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसमें खर्च होने वाली आधी राशि केंद्र और आधी राशि राज्य सरकार वहन करेगी। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार ने देवस्थान विभाग द्वारा संचालित कुंच बिहारी मंदिर के 20 लाख रुपए की राशि से होने वाले जीर्णोद्वार कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही सदर कोतवाली पुलिस थाना परिसर में 12 लाख रुपए की राशि विधायक निधि से बनने वाले सदर बाजार एवं सदर कोतवाली पुलिस थाना के संयुक्त स्वागत कक्ष में महिला एवं पुरुष शौचालय का शिलान्यास भी किया। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने वर्ष 2021 में सिविल जज कैडर के लिए 31 रिक्तियों का निर्धारण किया है। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 31 में से 14 पद सामान्य श्रेणी के लिए होंगे, जिनमें से 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। महिलाओं में भी 1 पद विधवा अभ्यर्थी के लिए होगा। जोधपुर शहर की कुड़ी पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश पप्पा राम को गिरफ्तार किया है। कुड़ी थानाधिकारी जुल्फिकार अली ने बताया कि मामले में पूर्व में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कृषि विश्वविद्यालय के अधीन प्रसार शिक्षा निदेशालय की ओर से संचालित फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम के अंतर्गत स्थानीय भेड़ों की नस्ल सुधार के लिए भेड़ पालकों को 3 अविशान मेढों का वितरण किया गया। विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर BR चौधरी ने मनाई, बालरवा व बींजवाड़िया के भेड़ पालकों को अविशान मेढों का वितरण किया। जोधपुर के अपर जिला कलेक्टर प्रथम मदन लाल नेहरा ने अपने कक्ष में यातायात प्रबंध समिति की बैठक ली। उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में RTO राम नारायण बुड गुर्जर ने की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
काजरी में वर्षा पानी का संग्रहण एवं जल का दक्षता पूर्वक उपयोग कर कम पानी में पनपने वाली फसलों को प्रोत्साहन विषय पर किसान गोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि विश्वविद्यालय कोटा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर जेड एस सोलंकी थे। गोष्ठी में किसानों को अच्छी फसल पाने के तरीके बताए गए। हजरत ख्वाजा सईदना ख्वाजा गरीब नवाज मईनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें उर्स के मुबारक मौके पर मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रतिनिधि मंडल की ओर से अकीकत की चादर शरीफ और फूल पेश किए गए। दरगाह में देश की खुशहाली, कौमी एकता व भाईचारे की दुआएं की गई। बीकानेर के दफ्तरी चौक स्कूल को खाली कराने के विरोध में मंगलवार को पूर्व उप महापौर अशोक आचार्य के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर धरना दिया। भूख हड़ताल पर बैठ गए आचार्य ने कहा कि दफ्तरी चौक स्कूल में 320 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इन बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल भवन की स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों ने कहा कि 2 माह बाद ही वार्षिक परीक्षाएं हैं, बीच सत्र में यदि विद्यार्थियों का स्कूल छूटा तो पढ़ाई खराब होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।